तो दोस्तों 2019 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए काफ़ी बढ़िया रही थी। जी हाँ दोस्तों, 2019 में जनवरी महीने में दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें पहली थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट साबित रही। और मात्र 30 से 40 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में 250 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की। वही दोस्तों जनवरी महीने में एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चल गई और लग रहा था कि 2019 की शुरुआत जब बॉलीवुड में इतनी शानदार हुई है और दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल हो गई है तो बॉलीवुड के लिए ये साल काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। वही दोस्तों फरवरी में फिर दो बड़ी नई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें पहली थी गली बॉय, जिस फिल्म में रणवीर सिंह और उनके साथ में आलिया भट्ट नजर आई थी, और दोस्तों वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। उसके बाद एक और फिल्म रिलीज हुई फरवरी में जिसका नाम था टोटल धमाल, जिस फिल्म में हमारे सुपरस्टार अजय देवगन साहब नजर आए थे। दोस्तों टोटल धमाल भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और फिल्म ने इंडिया में 150 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए एक खुशी का पल था कि भैया दो महीने निकल गए और दो महीने में चार बड़ी फिल्में आ चुकी है। वही दोस्तों मार्च के महीने में एक फिल्म आई जिसका नाम था केसरी, जिस फिल्म में थे हमारे सुपरस्टार अक्षय कुमार साहब, और केसरी फिल्म भी दोस्तों आईपीएल के दौरान रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद दोस्तों अप्रैल का महीना जैसे ही चालू हुआ लग रहा था कि अप्रैल के महीने में दो बड़ी फिल्में आने वाली है। पहली तो है बॉलीवुड की तरफ से जिसका नाम है कलंक, और दूसरी है हॉलीवुड की तरफ से जिसका नाम है एवेंजर एंड गेम। तो दोस्तों पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है कलंक, और दोस्तों कलंक का जब से फर्स्ट लुक और टीजर रिलीज हुआ था तब से लग रहा था कि भैया ये फिल्म तो शायद 2019 की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनेगी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 200-250 या 300 करोड़ का कारोबार करेगी, क्योंकि फिल्म की जो स्टार कास्ट है वो काफ़ी बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित 20 साल बड़े पर्दे पे नज़र आ रहे हैं, मतलब 20 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापस आए हैं। वही दोस्तों फिल्म में एक और सुपरहिट जोड़ी जो थी वरुण धवन और आलिया भट्ट की, जो इससे पहले हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और इसके अलावा दो तीन और सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। तो दोस्तों कलंक से जितनी ज़्यादा उम्मीदें लग रही थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट फिल्म होगी और ये फिल्म नए नए सक्सेस के झंडे गाड़ेगी, लेकिन दोस्तों इतनी ज़्यादा उम्मीद लगाने के बावजूद भी कलंक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ट्रेड एनालिस्ट हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर फिल्म देखने वाली ऑडियंस हो, सभी को निराश किया। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जितनी उम्मीद की थी उससे 50% भी नहीं कारोबार कर पाई, और साथ ही साथ जिस ऑडियंस को लेकर इस फिल्म ने एक्साइटमेंट बनी थी कि ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी और एंजॉय करेगी, दोस्तों वो ऑडियंस भी इस फिल्म को देखकर काफ़ी ज़्यादा निराश हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें हम फिल्म के बारे में तो फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक बर्मन ने, और बात करें कलंक के बजट के बारे में तो दोस्तों इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ साथ इस फिल्म का जो बजट है वो भी काफ़ी बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कलंक फिल्म का बजट है 150 करोड़ रुपए, और इस फिल्म को इंडिया में 4000 स्क्रीन मिली थी और ओवरसीज में फिल्म को रिलीज किया गया था 1300 स्क्रीन में, यानी कि फिल्म को वर्ल्ड वाइड 5300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, और उम्मीद थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ओपनिंग लेगी और यह फिल्म पहले हफ्ते में ही कम से कम 150 करोड़ की कमाई करेगी। लेकिन दोस्तों वही बात करें इस फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म ने ओपनिंग तो ठीक ठाक ली थी 21 करोड़ 60 लाख रुपए की, लेकिन दोस्तों खराब रिव्यूज की वजह से फिल्म के जो कलेक्शन है वो दूसरे दिन काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप रहे और फिल्म ने दूसरे दिन 11 करोड़ 45 लाख रुपए की ही कमाई की। वही दोस्तों बात करें तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की 11 करोड़ 60 लाख रुपए। वही दोस्तों लग रहा था कि चौथे दिन यानी सैटरडे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा जंप मारेगी, क्योंकि सैटरडे रहता है हाफ हॉलीडे और हाफ हॉलीडे के फायदे से ये फिल्म शायद बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाई कर पाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी सैटरडे बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 12 करोड़ की कमाई की। वही बात करें इस फिल्म के पाँचवें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों पाँचवें दिन इस फिल्म के कलेक्शन में एक हल्का सा जंप आया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पाँचवें दिन है संडे और संडे को हम सब जानते हैं कि रहता है फुल डे हॉलीडे, और हॉलीडे के दिन जो फैमिली ऑडियंस है वो फिल्म देखने जाती है। लेकिन दोस्तों जहां उम्मीद थी कि ये फिल्म संडे यानी हॉलीडे के दिन एक अच्छा जंप मारेगी, लेकिन उतना जंप भी नहीं मारा और फिल्म संडे के दिन कमाई कर रही है 14 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों 150 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म कलंक अपने शुरुआती 5 दिनों में इंडिया में कलेक्शन कर पाई है 71 करोड़ रुपये। वही अगर बात करें ग्रॉस कलेक्शन की, तो फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 82 करोड़ रुपये हो चुका है। वही अब अगर बात करें कलंक के
ओवरसीज मार्केट की, तो फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में कमाई की है 30 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इंडिया के 71 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन, वही ओवरसीज का नेट कलेक्शन 30 करोड़ रुपए। इसी के साथ जो फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल नेट कलेक्शन हो चुका है 5 दिनों का, वो हो चुका है 101 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों, कलंक का बजट जहां 150 करोड़ रुपए है, तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कम से कम इंडिया में 170 करोड़ से 180 करोड़ की कमाई करनी होगी। लेकिन दोस्तों फिल्म ने शुरुआती 5 दिनों में सिर्फ 70 करोड़ की कमाई की, यानी कि फिल्म के लिए हिट होना अब थोड़ा मुश्किल हो चुका है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कलंक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि अगर कलंक फिल्म आप देख के आए तो यह फिल्म आपको कैसी लगी, घटिया या बढ़िया? अपनी राय कमेंट करना ना भूले, और बॉलीवुड की ऐसी नई खबरों के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।